काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जीते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मुझे अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी पीठ थपथपानी चाहिए। इस हिंदुस्तान के अंदर भी संत महात्माओं का शुरू से ही मुझ पर आशीर्वाद रहा। दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर भूटान ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। मैं IAS बनना चाहता था। ऐसी कोई राजस्थान के अंदर जेल नहीं है जहाँ पर मुझे जाना नहीं पड़ा। मैं हर जेल में गया। तू जिस प्रकार का काम करता है, इस काम की तुझे कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा तरुण, अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ चोफुला के पास के। मैंने किशोरपुरा ग्राम पंचायत बड़े अंतर्राष्ट्रीय रॉयल भूटान अवार्ड से सम्मानित हुए। देश भर में से 51 आदमी के लिए सिलेक्ट हुए और भी के मायने राजस्थान का 4 आदमी और बाद 4 आदमियों का मायने एक सुरेश जी मीणा भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय रॉयल भूटान अवार्ड से सम्मानित होके अभी पैतृक गाँव किशोरपुरा में पहुंचे। तो बातचीत आप करेंगा सुरेश जी मीणा को, जब नाम लियो जाए तो धरनों और जो जरूरतमंद है भी आवाज से भी चीज ने जोड़ दियो जाए और आपके परिवार में भी काफी अवार्ड ही पहले मिले हैं कि जो माता जी है सरपंच रिताबा ने भी कई बार सम्मानित है वो करे गए है। तो बातचीत आप करांगा कशोक के अनफील हो रहे है और इस सफर के मायने सब ज्यादा सपोर्ट है वो क्यों मिलो। सब पहले तो हमारे चैनल की तरफ से थन बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल को थाना अवार्ड है वो मिले। शुक्रिया, थैंक यू, आभार, धन्यवाद। साहब सबसे पहले थन जब इस चीज को पता चला कि मैं सेलेक्ट हो हूँ कद थन पता चला है और जैसे सामाजिक समरसता का मैं तानियो मिलो है तो कहीं कोई सफर रही होगी। तो देखिए जीवन के अंदर इंसान को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, क्षेत्र कोई भी हो। और मैं मानता हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छा क्षेत्र है देश के प्रति सद्भावना, अपनों के प्रति हमदर्द और पीड़ितों की आवाज़ के लिए हमेशा तत्पर रहना और दीन दुखियों की मदद करना। इससे बड़ा कोई उपकार नहीं होता, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है। और जीवन के अंदर छोटे समय से, जब मैं छोटा था तो मैंने एक शायर की शायरियाँ याद है कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जीते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। थन जब पतो चले ये वार्ड में सेलेक्ट हो कब पतो चले थन? देखिए इससे पहले भी मुझे कई बार सम्मान मिल चुका है। मैं ये जरूर चाहता था कि मेरे कामों की प्रशंसा हो। हर व्यक्ति चाहता है, कुछ ना कुछ करता है तो ये तो चाहता ही है कि मेरे को जो मेहनत कर रहा हूँ उसका खिताब मिल रहा है क्या, मैं जो काम कर रहा हूँ उसका हौसला वर्धन कर रहे हैं क्या। और मैं तो युवाओं से भी, पूरे राजस्थान में, देश में, आपने कई जगह मेरे वीडियो देखे होंगे, जो प्रतिभाएं हैं गाँव में, ढाणियों में, उसका सम्मान करने के लिए मैंने खुद ने प्रतिभा के जो चित्र हैं वो बना रखे हैं और अवार्ड लेके मैं खुद सम्मान करने के लिए उनको जाता हूँ। अब तक मैंने राजस्थान के अंदर 2000 से ज़्यादा प्रतिभाओं को सम्मान मैं खुद स्वयं के हाथों से दे चुका हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी पीठ थपथपानी चाहिए। किसी को पीछे धकेलना, किसी के पकड़ सके तो अपन किसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएं, न कि उसकी पैर खींचें। ये मेरी सोच रही है। मैं पीड़ित मानवता की सेवा की हूँ। जब से सबसे पहले मुझे अवार्ड का पता लगा तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इस प्रकार से मेरा सिलेक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, ये मुझे पता नहीं था। और मेरा तो एक ही लक्ष्य था कि कर्म करे जा, नेकी करो और कुएं में डालो। बिल्कुल सुरेश जी, जब सम्मानित हुए अंतर्राष्ट्रीय रॉयल अवार्ड से, बिग बात शोक फील हो और फिर गाँव का मैं जब पूछो बिग बात में तारी फीलिंग की रही। देखिए सबसे पहले तो मैं भूटान सरकार के जो प्रतिनिधि थे वहाँ पर, उनमें जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर शंकराचार्य जी महाराज हैं, उस प्रकार से बौद्ध धर्मगुरु हैं। जब कोई नेपाल के अंदर राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सरकार का कोई भी नुमाइंदा जब पहली बार शपथ ग्रहण करता है तो वो शंकराचार्य बुद्ध धर्मगुरु के पहले प्रणाम करता है, धोख लगाता है। तो देखिए मेरा सौभाग्य, जिस हिंदुस्तान के अंदर मैं सनातन संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति हूँ और इस हिंदुस्तान के अंदर भी संत महात्माओं का शुरू से ही मुझ पर आशीर्वाद रहा, वहाँ भी मुझे संत गुरु ही मिले और सबसे पहले तो उन्होंने सम्मान किया। और उसके बाद में मेरे को महसूस ही नहीं हुआ कि मैं किसी प्रधानमंत्री के साथ में बैठा हूँ, किसी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ में बैठा हूँ। मैं भूटान सरकार के बड़े जो काबीना मंत्री उनके साथ में बैठा हूँ और भूटान सरकार ने, भूटान के लोगों ने, भूटान के जनप्रतिनिधि ने इतना स्नेह, सम्मान, प्यार दिया कि उनके डिसिप्लिन का मैं कायल हूँ। दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर भूटान ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ।
भूटान ऐसा देश है जहाँ स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हर चीज़ खुली है, और वहाँ आप देखेंगे तो 5 स्टार से लेकर 7 स्टार होटल तक जितने भी होटल हैं वहाँ पर प्रकृति की ऐसी कृपा है वहाँ पर कि ऑटोमेटिकली वहाँ पर पंखे कूलर ऐसी नहीं है। और वहाँ जो वहाँ का जो कल्चर मैंने देखा और वहाँ का जो मैंने मान सम्मान देखा, वहाँ के जो व्यंजन देखे और वहाँ के, मैं कायल हूँ उस तरह का। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल जब मैं सामान में पहली बार भूटान से लौटा तो मेरे सामान तो राजस्थान के अंदर हर कोने में, यहाँ तक भी मुझे दिल्ली में भी पहले सामान मिल चुका है, इससे पहले मुझे नेपाल में भी सामान मिल चुका है और देश के कोने कोने में सामान हुआ। लेकिन जो कल मेरा सामान हुआ उससे मेरे कामों की समीक्षा की जाए तो मुझे पहली बार सच्चा अवार्ड तो मेरे घर में मिला है। कल जो काफिला जेसीपियों से फूल बरसा रहे थे, चारों तरफ हर समाज जाति धर्म का व्यक्ति कल मेरी पीठ थपथपा रहा था, कल मेरा सम्मान कर रहा था, कल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी में आदमी कर्म करता उसका फल तो जरूर मिलता है। और मैं इस, ये सम्मान मेरा सम्मान नहीं है, उदयपुर वाटी का सम्मान है, ये गरीब का सम्मान है, ये आम व्यक्ति का सम्मान है, ये सर्व समाज का सम्मान है, ये झुंझुनू जिले का सम्मान है, ये नीमकाना जिले का सम्मान है, ये शेखावाटी का सम्मान है, जयपुर राजधानी का सम्मान है, राजस्थान का, देश का, प्रदेश का सम्मान है। सर एक मैं जो परिवार वालों को सुख की सपोर्ट मिलने, क्योंकि माँ बाप ही साथ कमाने, बच्चा ही परिवार वाला ही सुख की सपोर्ट मिले, क्योंकि एक मायने कई बार ऐ की चुनौतियों को सामना करना पड़े तो बात चुनौतियों का सामना करते टाइम परिवार को क्या रिएक्शन रहे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी पिक्चर हो और कोई भी किसी लीडरशिप की आप बात करें तो जिंदगी में कभी भी कोई व्यक्ति खलनायक बगैर नायक नहीं बनता। और मैं जब 18-19 साल का था तो मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति था, सबको सलूट करता था, जिस जमीन पे जाता था उस जमीन को माथे पे लगाता था। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने मेरे जीवन के अंदर, वो लोग आए, मैं IAS बनना चाहता था, मेरे पिताजी ने मेरा अच्छा दाखिला करा रखा था और मैं, मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं कहीं अधिकारी बनूं। लेकिन आज मुझे फख्र है कि अगर मैं, मेरी ज़िंदगी में खलनायक नहीं आता तो मैं नायक नहीं बनता। और उनकी वजह से जो कुछ भी हूँ आज मेरे राजस्थान में, देश में, प्रदेश में, हिंदुस्तान के जो टॉप अधिकारी हैं और राजस्थान के जो टॉप अधिकारी हैं, हिंदुस्तान के मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में IFS हैं, IAS हैं, IRS हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, CS है, CM है, मुझे फख्र होता है कई बार कि भजन लाल जी जैसे लोगों के साथ में मैंने काम किया है। भजन लाल जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत साहब ने भी मेरी पीठ कई बार थपथपाई है, वसुंधरा जी मुझे बाकायदा, मीणा टोपी वाले मीणा जी आ गए, टोपी वाले मीणा जी आ गए। और देखिए जो BJP को चलाने वाले लोग, मैंने, मेरी फोटोज देखेंगे, मैं कभी प्रचार प्रसार विश्वास नहीं करता, न मैं कभी मेरी कोई बड़ाई करता, और कर्म से आदमी पूछता है, कर्म से बड़ा होता है। मुरली मनोहर जोशी जैसे जो BJP को के करता धरता थे, उन्होंने मेरा सम्मान किया है। मुरली मनोहर जोशी जी मेरे को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, और राजस्थान के 200 विधायकों में से 200 विधायक सिर्फ नाम से जानते हैं कि ये टोपी वाले मीणा जी हैं, सुरेश मीणा है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा नेतृत्व है। और मैं ज़िंदगी में, ये भी सच्चाई है, मैं नेक व्यक्ति, एक कर्म करने वाला व्यक्ति, एक अच्छा इंसान बनना चाहता, मैं कुछ भी बनूँ ना बनूँ अच्छा इंसान बन गया। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि जातिवाद का जमाना है, और आज मैं अगर दौसा में होता, कोटा में होता, मेरे साथ के राजस्थान के अंदर मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, मेरे साथ के विधायक बन रहे हैं, मेरे साथ के भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस के अंदर बड़े पदों पे है, हिंदुस्तान में है, और मैं MLA और मंत्री या MP नहीं बन सका, इसके पीछे की कहानी ये है कि समाज सेवा, इसमें झूठ पाखंड का जमाना है और झूठे प्रचार का जमाना, मैं सच्चे मार्ग पे चला, रास्तों पे चला, मुझे खूब संकट आए और मैंने कभी मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चों को, परिवार को कभी मैंने संभाला नहीं। जब से मैंने सूरज संभाली है, मैं भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, मैंने दीनहीन की मदद की है, पीड़ितों की रक्षा की है। और ये भी मेरा एक सौभाग्य रहा कि जिस भी आंदोलन में मैं दरी पे बैठा और जिस भी आंदोलन को मैंने हाथ में लिया, आज तक मैं हारा नहीं। हालांकि मुझे ऐसी कोई राजस्थान के अंदर जेल नहीं है जहाँ पर मुझे जाना नहीं पड़ा, मैं हर जेल में गया, हर हिरासत में रहा। मुझे सरपंच 2010 के अंदर सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर पहला आंदोलन था सरपंचों का, स्टेच्यू सर्कल पर आंदोलन, मेरे पे लाठी चार्ज हुई और पूरे देश में मेरी फोटो छपी। और जेल में, सेंट्रल जेल में जाने के बाद में भी मुझे पूछा गया, जब मीडिया वालों ने पूछा कि आप क्या करोगे, मैंने कहा एक बार नहीं 1000 बार जेल जाना पड़े, मैं सेंट्रल जेल में मैंने भूख हड़ताल कर दी।
मैं पुलिस हिरासतों में रहा और मैंने पुलिस, आप बताइए कि जीवन के अंदर सबसे बड़ी सुरक्षा किस दिन होती है, जब दूल्हे बनता है। नीम का थाना के अंदर एक दूल्हा और दुल्हन आ रहे थे, उन पर गोलियां चलाई गई, तो मैं सरेआम मैंने उनका पक्ष लिया और उस न्याय के लिए मेरे मुकदमे भी हैं। मेरे राजस्थान के अंदर जितने मुकदमे लगे वो समाज हित के लोगों के लिए लगे, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की। अच्छा सर, ये पूरा सफर के मायने सौ ज्यादा पारिवारिक सपोर्ट, धर्मपत्नी, माता पिता की को सपोर्ट मिलो, सिर्फ एक नाम जानना चाहूँ। देखिए, मेरे माता पिता का बहुत बड़ा सहयोग रहा और किशोरपुरा के ग्रामीणों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, और मेरी जो धर्मपत्नी है वो शायद नहीं होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। बिल्कुल इनडायरेक्ट रूप से धर्मपत्नी का नाम लास्ट में ले ही दिया। सुरेश जी, एक चीज और, तो कई बार मानव सेवा थे करिए काफी टाइम से, मैं भी कई बार देखा था गरीब बिछा के बैठा हुआ, कई बार लोगों की आवाज बुलंद करता हुआ भी टाइम के, मैं यहाँ कोई मूवमेंट आया हुआ था अभी तक कि जी टाइम थाना लगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मन छोड़ देनी चाहिए, गलत है ऐ कि थारे साथ कोई एक ही घटना हुई, चीज साझा करो। देखिए, कई लोगों ने मेरे को कई बार कहा कि कई व्यक्तियों ने भी कहा जो इस इलाके के सप्रांत लोग हैं, उन्होंने कहा कि सुरेश मीणा तू जिस प्रकार का काम करता है इस काम की तुझे कोई फल नहीं मिलेगा, और यही काम अगर तू सवाई माधोपुर में, मैंने कहा सवाई माधोपुर में भी किया है मैंने हाड़ौती में भी किया है, मैंने आदिवासी क्षेत्र में भी किया है, यहाँ तक भी पहला व्यक्ति होगा जिसने मैंने जंतर मंत्र को भी नहीं छोड़ा धरने के लिए। हिंदुस्तान के अंदर हर जगह मुझे जाने का मौका मिला है, लेकिन मुझे लाड प्यार दुलार जो जितने अधिकारी हैं आज तक मेरा जो सपोर्ट है, मेरे अधिकारी जिस दफ्तर में मैं चला गया, चाहे किसी आईएएस में चला गया, चाहे गुजरात केडर के अधिकारी के पास चला गया, चाहे मध्य प्रदेश के केडर के पास, किसी अधिकारी ने आज तक मुझे मेरा काम मेरा कहना नहीं डाला। और यही बदल रही राज किसी का भी हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, हर विधायकों ने, हर मंत्रियों ने और हर अधिकारियों ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं बन के कहना चाहूँगा मैं, देखिए जो वीडियो देख रहे हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि देखो, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के जीना ही जिंदगी है, और जिंदगी में आप ऐसे वर्षों तक जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन में ऐसे काम करो ताकि आपके कुल का, गांव का, ढाणी का, परिवार का नाम रोशन हो, और बाकी अपने लिए तो पशु भी जीता है, बाकी दूसरों के लिए, दीनहीन के लिए, पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाओ, निश्चित तौर से आपका फल मिलेगा। उसका रिजल्ट है शायद मैं पहला मौका होगा जो किशोरपुरा गांव जैसी पंचायत के अंदर जनरल सीट पे मुझे सरपंच बनाया, और सरपंच बनने के बाद मेरी माँ को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई बार पुरस्कार मिले और किशोरपुरा गांव को निर्मल गांव जैसा। बिल्कुल जी, आप बातचीत करी भी आधार पर थारू के बढ़ना है थे मान, कमेंट सेक्शन में थारी राय जरूर बताओ। राम राम।